हेलो दोस्तों, मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको मिर्च क्रॉप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मिर्च क्रॉप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि मिर्च की खेती कैसे की जाती है। आपकी मिर्च अगर आप किचन के बाहर भी, अगर किचन के अंदर भी आप अगर बोना चाहते हो, तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं, मिर्च की उत्पादन आप कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टडी को आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। आपका भाई इमरान सैफी, जो आज आपके लिए मिर्च की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हरी मिर्च व्यंजन को मसालेदार बनाने का काम करती है, और भारत में जैसे मिर्च मसालों के देशों में इसका अलग महत्व है। आज हम आपको हरी मिर्च की उगाने की कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो घर पर ही उगाए हरी मिर्च, घर पर ही उगाए हरी मिर्च, हरी मिर्च को घर पर कैसे उगाते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप हरी मिर्च को कैसे उगाओगे। तो हरी मिर्च उगाने के पहला टिप्स है गर्म जलवायु। जो हमारी हरी मिर्च जो प्लांट है, उसको उत्पादन करने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो टिप्स है हमारा गर्म जलवायु। गर्म जलवायु प्लांट के लिए बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो इसकी ग्रोथ होती है, जो इसका भोजन बनता है, वो गर्म वायु के द्वारा ही बनता है। तो गर्म ट्रॉपिकल जलवायु हरी मिर्च के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है। अगर आप ऐसे जलवायु में नहीं रखते हैं, तो अच्छे परिमाण के लिए आपको इंडोर या फिर ग्रीन हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप मिर्च का प्लांट लगा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि दोस्तों, अगर ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप मिर्च का प्लांट लगाए, मिर्च की खेती करें, क्रॉप्स करें, तो सबसे पहले उस जगह को देख लो कि वहां पर सूर्य की जो लाइटें हैं वो संकुलित, जो सही तरीके से आनी चाहिए, जो गर्म जलवायु है वो उसको पौधे को मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जो आपकी जो जलवायु, जो आपका जो प्लांट है, वो ग्रोथ नहीं करेगा और आपकी पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी हरी मिर्च के पौधों को गर्मी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। इसलिए हरी मिर्च का पौधा लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें सूरज की पूरी पूरी रोशनी मिले। पौधे ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना लगाएं जहां रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे चला जाता हो। गर्म जलवायु पहला टिप्स है, और दूसरा टिप्स है सूरज की रोशनी। जो वायु है वो भी हमारी गर्म होनी चाहिए, और जो सूरज की रोशनी है वो भी हमारी गर्म होनी चाहिए। अगर ये चीजें अगर आप ध्यान में रख के अगर आप अपनी खेती करते हो, तो आपका जो है प्लांट है, जो प्लांट है, जो आपकी जो क्रॉप्स है, वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगी और बहुत ही अच्छी पैदावार उत्पादन होगी। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए, हमें गर्म वायु जलवायु, अगर हमें ये दोनों चीजों को हमें देखते हुए, हमें अपनी पैदावार वहां, हमें क्रॉप्स वहां बोनी है जहां पर हमें गर्म जलवायु हो और हमारी सूरज की रोशनी आवश्यकता अनुसार पौधों को मिलती रहे। तो ये हमारी फिर है, आगे बढ़ते हैं मिट्टी। मिर्च के पौधों को उर्व मिट्टी में लगाई। उर्व मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पौष्टिक, एक कंपोस्ट खाद द्वारा जो प्राप्त होती है, वो हमारी उर्वरक मिट्टी लगाई जाती है। अगर आप गमले में पौधों को लगा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप पौधे को मिट्टी में लगा रहे हैं, अगर आप किचन के बाहर आपका पौधा है या आपका गमला है, तो अगर आप मिर्च के कुछ सेड बीज को अगर उसमें आप डालते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बोने से पहले उसमें कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, या जिंक, या सल्फेट, या नाइट्रोजन, कोई भी एक ऐसा पदार्थ ले जो हम अपनी मिट्टी में मिलाकर उसके बाद प्लांट सेड बीज को बोना चाहिए, जिससे जो उसका तापमान है, उसकी जो गर्मी है, उसको उत्पादन आपकी प्लांट की अंकुरण बहुत स्पीड से करेगा और आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। बुआई, मिर्च के बीज को जमीन में कम से कम 3 इंच नीचे डालने की जरूरत होती है। जब पौधे जमीन से बाहर आ जाए, तो आप इसे
इसे यहाँ से हटाकर गमले या फिर किसी उपयुक्त जमीन पर लगा दें। जब आपका जो गमला है या आपका जो आपकी खेती है उसके अंदर जो भूमि है, अगर आप मिर्च की पौध को अगर लगाते हो तो 3 इंच जमीन के अंदर पौध जानी चाहिए, उसकी जो रूट है वो उसके 3 इंच जानी चाहिए। जब भी आपकी पैदावार अच्छी होगी, आपकी रूट बहुत अच्छी अंकुरण करेगी। पानी देना, मिर्च उगाने के दौरान पौधों को नियमित रूप से पानी दे, पर ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी घातक हो सकता है। पौधों में ठंडक आ जाने से आपको अपेक्षित परिमाण नहीं मिलेगा। अगर आप पानी, अगर मिर्च के प्लांट को अगर पानी देते हो तो सबसे उसके सामान्य अनुपात के अकॉर्डिंग ही उसको पानी दे, ज़्यादा पानी ना दे। पानी अगर आप ज़्यादा देते हो तो जो पौधा है, जो रूट है उसकी, वो ठंडक पकड़ लेगा, जिसके कारण आपकी जो रूट है वो सही तरीके से पैदा, सही से उत्पादन नहीं होगी, सही से आपकी अंकुरण नहीं होगी और वो आपका पौधा गल जाएगा, आपकी रूट गल जाएगी। इसलिए ध्यान में रखते हुए पानी का भी सही इस्तेमाल करें। कीटनाशक, मिर्च उगाने के दौरान आपको बीमारी से छुटकारा पाने के लिए किसी तरह के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का झंझट पाने की जरूरत नहीं है। हरी मिर्च में एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो बीमारी का दूर करती है। जब प्लांट आपका उत्पादन हो जाए, प्लांट की ग्रोथ हो जाए, फल फूल पे आ जाए, तो आपको कोई भी कीटनाशक फर्टिलाइजर का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्च एक ऐसा प्लांट होता है जो खुद ही अपने अंदर एक ऐसी क्षमता रखता है जो कीटनाशक, जो कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए पौधा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये फर्टिलाइजर जो है, मिर्च का जो तीखापन होता है, मिर्च जो हम खाने में यूज करते हैं, वो आपकी फर्टिलाइजर को भी दूर करता है। और सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका भाई इमरान सैफी, मोटिवेशनल सक्सेसफुल को देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।